आए दिन वीडियो देख रहा हूँ इस समय, जैसा कि सभी को पता है कि भर्तियाँ चल रही हैं जगह जगह की। तो इसमें ये अपलोड करते हैं कि 200 का ग्रुप बन रहा है, 300 का ग्रुप बन रहा है, जिसमें से कोई कोई बोलता है 40 लड़के पकड़े गए और कोई कोई बोलता है 5 लड़के पकड़े गए। तो साथियों, आप लोग भी परेशान हैं कि सर हमारे साथ क्या होगा, किस तरीके से होगा, कुछ जानकारी दीजिए। सर मेरी भर्ती फैज़ाबाद में होनी है, मेरी भर्ती लखनऊ में है, कानपुर में है, बनारस में भर्ती है, सर क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी रनिंग निकल जाए। तो साथियों, मैं आपको एक ही जवाब दूंगा, रनिंग निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप मेहनत किए हैं, अगर 100% अपना दिए हैं और टाइमिंग आपकी अच्छी है, तो ये मायने नहीं रखता कि आप भर्ती में कहाँ बैठाए गए। कहने का मतलब है कि हालांकि आगे बैठने वाला और पीछे बैठने वाले में अंतर रहेगा हमेशा, बट किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है कि किसी को आगे बैठा जाए किसी को पीछे। आपकी किस्मत आप कहाँ बैठेंगे, बट अगर आपने मेहनत की है तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता कि आप कहाँ बैठते हैं। एक चक्कर दो चक्कर बाद सब अपने आप बैठ जाते हैं साथियों, जो दौड़े नहीं रहते कभी। फिर आगे वही बंदे चलते हैं जो अच्छी मेहनत किए रहते हैं। तो आप लोग भी बेधड़क तैयारी करते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। अभी अगर आपके पास मौका है, 1 महीने का मौका समथिंग है, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। और किसी के कहने में मत आइए कि आपके यहाँ 10 लड़के पकड़े जाएंगे, 20। वो डिपेंड करता है पहले लड़के पर कि पहला लड़का कितनी तेज़ी से स्पीड में रनिंग निकाल रहा है, या फिर ये डिपेंड करता है कि कितने संख्या में कैंडिडेट आ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आप लोग परेशान ना होइए, ये सब कोई नहीं बता पाएगा, सिर्फ अफवाहें हैं, अपनी तरफ से लोग जोड़ के कुछ भी बता दे रहे हैं। बाकी साथियों, वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।